सर नमस्कार जी। सर बांग्लादेश के अंदर में इस्कॉन के धर्मगुरु हैं स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी, उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद उनके श्रद्धालुओं पर ज़बरदस्त जो है सो आक्रमण किया गया, एक तरीके से कह लीजिए आप। वो आक्रमण पुलिस ने नहीं किया, वो आक्रमण वहाँ के लोगों ने किया ऐसा कि बताया जा रहा है, और वहाँ की पुलिस और व्यवस्था उनको बचाने तक नहीं आई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश की सरकार की अब इंतहा हो रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से तानाशाही चरम पर पहुंच रही है, कहीं ना कहीं मोदी जी को अब जवाब देना पड़ेगा, मोदी जी को अब उठना पड़ेगा। जो आपकी वैश्विक स्तरीय नीति है, उस नीति से बांग्लादेश को जवाब दीजिए। अभी अभी हमारे ट्रंप साहब जीत कर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हिंदू के खिलाफ बांग्लादेश में जो आपत्ति हुई है उसके ऊपर वो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन महंत गुरु चिन्मय दास जी महाराज के साथ जो हुआ है, आज उसे पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा संत समाज आज व्याकुल है। इस तरह का कुकृत्य अगर बांग्लादेश में हुआ है, मैं मोदी जी आपसे अपील करता हूँ हमारे संत जी के साथ जो हुआ है, आप बांग्लादेश को अपने स्तर से जवाब देने का काम करिए, वैश्विक नीति से उसको के ऊपर चोट करने का प्रहार कीजिए। क्योंकि जब तक चोट करेंगे, जब तक वो सीखेंगे नहीं, क्योंकि बांग्लादेश अब ख़त्म होने की कगार पर, उसमें जो उनका जो गृह युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। चाहे सरकार हो, चाहे भीतर घात हो, हिंदुओं के ऊपर ही प्रहार हो रहा है, चाहे सरकारी अमले से हो, चाहे वहाँ के जो नागरिक है जो हिंदुओं के ऊपर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मोदी जी एक आवाज़ लगाइए और जो आप विश्व में जो शक्तियाँ पाई है उस शक्ति का उपयोग कीजिए और बांग्लादेश को उचित जवाब देने का काम कीजिए। सर, जिस तरह से और समुदाय के लोगों के प्रति अत्याचार होता है, जब चाहे कोई और भी समुदाय हो, और वैश्विक स्तर पर आवाज़ें उठती हैं, चाहे फॉरेन मीडिया में हो, चाहे फॉरेन की सरकारें हों, आवाज़ उठाती, उस तरीके से हिंदुओं के प्रति आवाज़ नहीं उठती है जब कहीं पर भी अत्याचार होता है हिंदुओं के प्रति, ये क्यों? यही तो सोचने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि शायद साहब अमेरिका में भी ट्रंप सरकार है जो कुछ लोग कहते थे, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ और जो उनकी जो विदेश नीति है उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, जो हिंदू बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध हो रहा है, लेकिन वहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं ने एक होकर जातियों को छोड़ के एक शक्ति दिखाई है, एक शक्ति दिखाने का काम किया है, वो उससे भारत के कई लोग जगह, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए पूरा विश्व डंके की चोट पर खड़ा होगा और उन अपराधियों को अपने वाजिब जवाब देने का काम करेगा। बांग्लादेश के अंदर में अब आवाज़ें उठ रही हैं कि बांग्लादेश को एक सेक्युलर कंट्री बनाया जाए, जो सेक्युलर शब्द है ना उनके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हटाया जाए। क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर रह रहे 8 से 9% जो हिंदू हैं उनके ऊपर क्या होगा? देखिए, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य, मैं कहना चाहता हूँ धैर्य रखिए। कुछ दिन बाद जो होगा, चाहे आप देखिए अगले साल या कुछ समय बाद ऐसा होगा, मोदी जी ज़रूर बांग्लादेश को सबक सिखाने का काम करके कह रहा हूँ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। और जो बांग्लादेश में जितनी हिंदू शक्ति है, जितने हिंदू हैं, कहीं ना कहीं एक देश बांग्लादेश के अंदर हिंदुत्व के नाम से बनेगा, आप देखते जाइए। सेकुलर शब्द हटाने की बात कही जा रही है, सेकुलर शब्द समझते हैं आप, हमारे देश के संविधान में भी है, वहाँ उनके देश के संविधान में भी है, वो शब्द हटाने की बात की जा रही है कि सेकुलर शब्द को हटाया जाए। वो कुछ भी करें, जब तक मोदी है आप सेकुलर की बात करते हैं, वो तो पहले ही सेकुलर है भाई, वो तो पहले ही सेकुलर है, वो कुछ नहीं करेंगे। ये थोड़ी गिदर भभकियाँ देने का काम जो भी करें, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब इनको जवाब देने का काम करेंगे।